Hello friends and welcome to my channel Learning and Speaking. Today we learn how to use is am are in English grammar. English grammar में is am are का प्रयोग कैसे करते हैं और इसे बच्चों को easy way से किस प्रकार समझाया जाए कि उनको आसानी से याद हो सके कि is am are कहाँ कहाँ पर हम लगाएंगे किसी भी sentence में, वह आज हम सीखेंगे. We start with use of is. We use is with he, she, it, name. इसका प्रयोग हम he, she, it, name के साथ करते हैं. When we talk about any boy or any man, we use he is. जब भी कभी हम sentence में किसी भी लड़के के बारे में बात कर रहे हो या फिर किसी भी man के बारे में बात कर रहे हो तो हम he is का प्रयोग करता है. He is का प्रयोग होता है वह लड़का या वह व्यक्ति. Similarly, when we talk about any girl or any woman, then we use she is. जब भी कभी हम सेंटेंस में किसी भी लड़की या किसी भी महिला औरत की बात करते हैं तब हम वहाँ पर she के साथ is का प्रयोग करते हैं. जैसे कि वह लड़की, वह महिला. And when we talk about any things, any animals or any place, we use things as a mobile phone, shoe, bulb, fridge, refrigerator, washing machine. Things is anything. When we talk about any things, that we use it is. When we talk about any animals, then also we use it is. It is a lion, it is a elephant, it is a zebra. थिंग्स का मतलब होता है कोई भी वस्तु. जब भी किसी वस्तु की बात की जाए तब इट इज़ लगाया जाता है. इसी प्रकार जब भी किसी पक्षी, पशु पक्षी के बारे में बात की जाए, चाहे वह शेर हो, चीता हो, टाइगर, लायन, लेपर्ड, कछुआ, तब हम क्या लगाएंगे? इट इज़ अ लायन, इट इज़ अ टॉर्टॉइस, इट इज़ अ स्वान, इट इज़ अ क्रो, तब भी हम इट के साथ इज़ का प्रयोग करेंगे. इसी तरीके से जब किसी स्थान की बात आएगी, जगह की बात आएगी, तब भी हम इट इज़ का प्रयोग करेंगे. स्थान और जगह में आता है चर्च हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, या फिर स्कूल हो गया, या फिर घर हो गया, जो भी चीज़ें, प्लेस, सिटी, जो भी जगह में आएगी उसके साथ भी इट इज़ का प्रयोग किया जाएगा. एंड लास्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी नेम, वेदर इट इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन और वेदर इट इज़ अ नेम ऑफ एनी प्लेस, वी यूज नेम विद इज. जब भी कभी किसी सेंटेंस में किसी का नाम आता है तो नाम के साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करेंगे. जैसे कि राधा इज, राम इज, सूरज इज. और जब कभी जगह की बात आएगी, सूरत इज, दिल्ली इज, बॉम्बे इज, तब हम उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे. लेट्स लर्न इट from the example. She is doing his homework. वह अपना homework कर रहा है. यहाँ पर लड़का है जो homework कर रहा है, इसलिए हमने लगाया है he is. Next is she is washing the clothes. वह कपड़े धो रही है. यहाँ पर किसी भी लड़की अथवा महिला की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमने लगाया है she is. Next is इट इज़ एन एरोप्लेन. यह एक हवाई जहाज है. यहाँ पर वस्तु की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमने इट के साथ इज का प्रयोग किया है. फिर नाम, राम इज़ अ गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. राम यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है. नाम के साथ हमने इज का प्रयोग किया गया है. फिर ताजमहल इज़ अ मॉन्यूमेंट. ताजमहल स्मारक है. इसमें ताजमहल यानी एक जगह की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमने ताजमहल के साथ इज का प्रयोग किया है. ताजमहल इज यानी यहाँ पर किसी जगह का नाम आया है, इसलिए इज का प्रयोग होगा है. तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर इज का प्रयोग किया जाता है. यह हम आराम से इजी तरीके से समझ सकते हैं कि इज का प्रयोग जब भी ही, शी, लड़का, लड़की की बात हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु की बात हो, जगह की बात हो, या किसी का नाम आ रहा हो, तब हम वहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे. चलिए तो अब सीखते हैं यूज़ ऑफ एम. एम का प्रयोग बहुत ईजी है. एम का प्रयोग सिर्फ एक आई के साथ ही किया जाता है. जब भी कहीं आई, ये मैं अपने लिए, अपनी बात कर रहा हूँ, तब
कर रही हूँ, तब हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम लिसनिंग, तब हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। यह एक सिंपल तरीका है कि जब भी कभी हम किसी भी सेंटेंस में अपनी बात कर रहे होंगे तो अपने साथ हम एम लगाएंगे। लेट्स लर्न इट फ्रॉम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ पर आई यानी मैं खेल रहा हूँ, इसलिए हमने आई के साथ एम का प्रयोग किया। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रही हूँ। यहाँ पर आई के साथ एम, जब भी कभी आई आएगा तब उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज आई एम डूइंग ऑफिस वर्क, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। मैं आई एम वॉशिंग क्लोथ, मैं कपड़े धो रही हूँ, तो आई के साथ क्या आया, एम। इजीली जब भी कभी आई का बात की जाएगी तब उसके साथ एम का प्रयोग होगा। चलिए ये तो समझ में आ गया कि जब भी कभी आई यानी मैं मेरी बात होगी तब आई के साथ एम का प्रयोग सेंटेंस में किया जाएगा। अब चलते हैं आर की तरफ। आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वी यूज आर विद यू वी दे। यू वी दे के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा। यू का मतलब होता है तुम, तू, तुझे, तुम्हें। तो जब भी कभी हम किसी की बात करेंगे तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। वी का मतलब होता है हम, हमें। जब भी हम यानी दो या ज़्यादा दो से अधिक लोगों की बात करेंगे वी, तब हम वी लगाते हैं, तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, आर सेंटेंस में। इसी प्रकार हमारे सामने कई लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, दे। दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो जब भी यू वी दे सेंटेंस में आता है तो उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है, यू आर, वी आर, दे आर। चलिए इसके बारे में और भी जानते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं कि आर हम कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। इससे आपको इजीली सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से समझ में आ जाए कि आर का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ किया जाता है। यू आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी पी रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, हम किसी से बात कर रहे हैं अपने दोस्त से कि वह कॉफ़ी पी रहा है, तो हमने क्या लगाया, यू के साथ आर लगाया। नेक्स्ट इज यू आर अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। यहाँ पर लड़के की बात की जा रही है कि तुम अच्छे हो, तो यू के साथ क्या लगाया हमने, यू आर। नेक्स्ट वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। यहाँ पर हमारी बात की जा रही है अर्थात वी के साथ हमने क्या लगाया, आर। नेक्स्ट इज वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड, हम बाहर खड़े हैं, यानी हम दो जने हैं जो बाहर खड़े हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड। नेक्स्ट इज दे आर ईटिंग, वह खाना खा रहे हैं। अब हमारे सामने कोई है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, दे आर, दे के साथ आर का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट इज दे आर स्लीपिंग, किसी और की बात की जा रही है कि वह सो रहे हैं। दे का मतलब होता है वह सो रहे हैं, इसलिए दे आर स्लीपिंग। तो यह था इज एम आर का प्रयोग। चलो रिवाइंड कर लेते हैं। इज एम आर का प्रयोग ही शी इट नेम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। यू वी दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। सो इज एम आर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी को। ये एक आसान तरीका है जिसे बच्चों को इजीली समझाया जा सकता है। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर वर्कशीट दी है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बच्चों को इजीली इज का प्रयोग, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग सिखा सकते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स के अंदर बच्चों को बताया जाएगा कि इज कहाँ पर आएगा, एम कहाँ पर आएगा, आर कहाँ पर आएगा, जिससे कि बच्चों की इजीली प्रैक्टिस हो जाती है और बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आप मेरे सभी वीडियो को सबसे पहले देख सके। थैंक यू।